हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, हमारी ये लाइव क्लास की वीडियो है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है, ग्रुप क्लासेज, जो की है रात को 8 बजे 20 जुलाई से। जी हाँ, 20 जुलाई से इसी कमिंग वीक में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड डिटेल्स चाहिए आपको तो मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आज का टॉपिक है हमारा, राइट? मिसलेनियस कैलकुलेशन, सॉरी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में हम परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मिसलेनियस कैलकुलेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साथ परसेंटेज कैलकुलेशन से। ओके, तो अब सबसे पहले जान लीजिए, एक्सेल में अगर आप परसेंट में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 20 एंड परसेंट का सैंपल देना पड़ेगा। समटाइम लोग क्या करते हैं, 20 लिख देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज लगाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में होता है 1 इक्वल टू 100%, मतलब कि बाद में आपको परसेंटेज लगाना है तो 0.20, मतलब कि डेसिमल में लिखना होगा तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो 500 का अगर मान लीजिए 20% निकालना है तो बी जस्ट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कभी सिचुएशन आएगा कि 20 होगा, सो दैट टाइम हम मल्टीप्लाई तो करेंगे बट डिवाइड बाय 100 ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लीजिए 600 का अगर किसी ने 330 माने 600 का पेपर था, 360 लाया, कितना परसेंट लाया, तो क्या करेंगे, जो आया है उसको डिवाइड करेंगे जिसमें से आया है, और परसेंटेज का सैंपल आप इस पे क्लिक करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब कभी कभी कुछ कैलकुलेशन उस तरह का भी आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर 600 का हमारा कोई प्राइस चल रहा है, कोई सामान बिक रहा है, और मेरे बॉस ने बोला है कि काम को 20% बढ़ा के मुझे बताओ क्या हो, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 600, राइट? तो इससे अच्छा है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1.20 या 120% कर दें। जी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर 100 रुपए की कोई एमआरपी है किसी प्रोडक्ट का, 100 रुपीज एमआरपी है, और उसमें जीएसटी इंक्लूड है 18%, तो विदाउट जीएसटी, जी हाँ, विदाउट जीएसटी क्या प्राइस होगा? आप कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें से 18% निकाल के माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि आप 18% जो निकाल रहे हैं उसमें भी 18% जीएसटी है, बात समझे? तो 18% जीएसटी का भी 18% निकाल रहे हैं। ऐसे केसेस में हमें कुछ नहीं करना है कि ये 100 को डिवाइड बाय 1.18 या फिर 118% कर दीजिए, एंटर मारिए, ये आ गया, समझे? सर अगर 100 100 में अगर 18% है तो ये 82 रुपये नहीं आना चाहिए? कैसे, आप वही ना गलती कर रहे हैं, 100 में 18% है तो जो 18% आप निकाल रहे हैं तो 18% का भी 18% निकाल रहे हैं ना। अच्छा अब आपको आपको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लीजिए। आप क्या करें, इसका 18% हमारे 84 रुपये 75 पैसे अगर किसी प्रोडक्ट का दाम हुआ, इसमें 18% अगर जीएसटी ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 100 आना चाहिए ना सर, जी सही है? क्लियर है? सही सही है सर। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना आ गया, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलिए ध्यान रखिएगा, एक्सेल में परसेंटेज 20% दिखता है बट ओरिजिनली क्या होता है, पॉइंट्स में। ओके अब चलिए बात करते हैं राउंड का। जैसे यहां पे कुछ नंबर्स है तो जनरली हम यहां से राउंड कर देते हैं, जी पर प्रॉब्लम क्या होती है,
प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ विजिबिलिटी हटता है, ओरिजिनल नहीं हटता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, यहां पे सिंपल सा राउंड का फॉर्मूला, राउंड अब मुझे दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, दो दे दूंगा, यहां से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, या फिर जीरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो जीरो कर दें, डेसिमल हट जाए। कि डेसिमल हटाना है तो आप इंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंट इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे नंबर राउंड करने हुए तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जो है एक होलसेलर है, कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप, प्रॉब्लम यह है कि आप जो है सारा प्रोडक्ट होलसेल करते हैं, आप रिटेल नहीं करते, मतलब आपका एक कार्टन है, कार्टन बेचते हैं, कार्टन में होते हैं 12 पीस। अब कोई जी कस्टमर आता है कि मुझे 87,452 पीस चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, मैं दर्जन के हिसाब से दूंगा, पीस के हिसाब से नहीं, ठीक है ना? तो अगर उसने पूछ जी दिया कितना दर्जन है, तो आप क्या करेंगे कि 87 को डिवाइड करके बता देंगे कि भाई इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, और बोल दीजिए कि हाँ 7,287, नहीं 87 या 88 आपको लेना हो, राइट? जी लेकिन किसी ने पूछा कि बताओ कि ठीक है इसके नियरेस्ट कितना कम और कितना ज्यादा लिया जा सकता है। तो ऐसे केस में आप दो फॉर्म लगाएंगे, फ्लोर मतलब कि नीचे का जमीन का फ्लोर, इसको सिलेक्ट किया कॉमा 12, तो आ गया 87,444। फिर यहां पे आता है सेलिंग, क्या आता है सेलिंग, सेलिंग मतलब छत। जी तो ये 12 के हिसाब से नंबर को राउंड कर दिया। तो कई बार होता है ना कि आप एफडी करने जाते हैं तो बोलता है कि 500 का या 100 का मल्टीप्लेक्स चाहिए, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है निकालने के लिए। एक और एग्जांपल देते हैं, शायद आप कंफ्यूज लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मैं एटीएम में जाता हूँ पैसा विदड्रॉ करने, मैं डालता हूँ 12,336, तो आपको क्या बताता है कि प्लीज एंटर द 500 मल्टीप्लेक्स, बोलता है ना? जी तो मान लीजिए कि आप एटीएम के प्रोग्रामर हैं और आप एटीएम में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई अगर अमाउंट गलत लिखता है तो उसको बताए कि प्लीज एंटर दिस अमाउंट मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है ना? कि आप इस अमाउंट का निकालना चाहते हैं तो अमाउंट नहीं निकलेगा, इसके मिनिमम या इसके मैक्सिमम आप ये निकाल सकते हैं। सही ठीक है, समझे? सही तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वही सेलिंग और फ्लोर लगाएं। कैसे लगाना है? लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, याद करने का तरीका भी सिंपल है। फॉर्मूला जो है ना, आप उसके नाम से नहीं उसकी प्रॉपर्टीज से याद करें। मोस्टली फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है कि जो आप प्रॉपर्टी है उसी से होता है, समझ गया ना? फ्लोर, जी फ्लोर मतलब जमीन होता है, मतलब कि लोअर निकालना है, तो फ्लोर इसको सेलेक्ट करके कॉमा हमने 500, और सेलिंग जो होता है वो होता है अपर, तो हमने यहां पे सेलिंग ले लिया, राइट? समझे? जी जी तो दिक्कत इसमें ठीक नहीं सकते जी है? जी अब चलिए अब बात करते हैं डेट कैलकुलेशन। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम डेट कैसे लाए। तो आपके पास टुडे का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? टुडे। टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, और देता ही नहीं है ये, अपने आप को हमेशा चेंज भी करते रहता है। ये फॉर्मूला ही नहीं देता है, क्या करता है ये, अपने आप को चेंज भी करते जी रहता है। कल खोलूंगा तो कल 16 तारीख दिखाएगा, फिर 17 दिखाएगा, लेकिन मुझे आपको टाइप करना है। तो टाइप अगर करना है तो सिंपली आप देख ले सिस्टम का फॉर्मेट क्या है। आपका सिस्टम का फॉर्मेट अगर एमएमडीडी है, वैसे मंथ और डेट है, तो यहां डालिए 7/15। अगर डीडीएमएम है तो डेट प्लस मंथ,
या फिर कंफ्यूज हो रहा है तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबा दीजिए, डेट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगेन सेमी कॉलन दबाइए तो टाइम आएगा। ऐसे आप नाउ का फॉर्मूला लगा सकते हैं करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम के लिए। अब जो टाइम नहीं दिख रहा है क्योंकि तो इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे आप डेट एंड यहां पे चले जाए मोड नंबर फॉर्मेट में और यहां पे डेट पे, यहां पे डेट एंड टाइम दिखेगा आपको, दिख रहे हैं यहां पे जी, ठीक है जी। सर ये जैसे टाइम शीट ओपन रहेगी टाइम चलता रहेगा जी, बिल्कुल चलता ही रहेगा जब तक रिफ्रेश होगा ना, कहीं पे कहीं पे डबल क्लिक करें या कोई फॉर्मूला अपडेट करें तो अपडेट रहेगा, ठीक है ठीक है सही। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक तारीख और आज की डेट डाली, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए आप लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर दीजिए, ठीक है जी। और लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट, या फिर आपके पास एक और डेज का फॉर्मूला होता है, किसका होता है डेज का फॉर्मूला लगाए और उसमें लेटेस्ट टाइम डेट एंड ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो डिफरेंस आपको दिखा दे, ठीक है ना। ठीक है, सही है सर। सेम उसी तरह से अगर सुबह में ऑफिस 10 बजे गए और रात को शाम को 6 बजे आ, अब 6 बजे मैं डाल रहा हूं, अब मैं यहां एंटर मार दूंगा तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सुबह का 6 बजे ले लेगा, ठीक है, इसका ले लेगा ओके सुबह का, सुबह में सुबह अगर मान लीजिए कि मुझे इसको शाम का करना है तो स्पेस दीजिए, स्पेस जरूर दीजिएगा, पीएम लिखिए, अब लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, टाइम आपका आ जाए। अब घंटा आया है ना 8 आया है, मुझे इसको 8 नंबर में चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए, 8 AM दिख रहा है तो परसेंटेज की तरह ए भी डेसिमल है, क्योंकि इसने टाइम क्या होता है एक 24 आवर मतलब एक दिन, और एक दिन को घंटे के हिसाब से उसने इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इसको नंबर में कन्वर्ट कर, तो कुछ नहीं इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए नंबर आए, ठीक है सही है। हमने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये सब तरीके हैं, ये सब तरीके आपको ठीक है सही है सर। हाँ सुन लो, अब आते हैं फॉर्मेट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में आते हैं, जैसे सुजीत और कुमार अलग अलग सेल पे, उसको मुझे आपस में ज्वाइन करो, तो आप इसके लिए क्या करें एन परसेंट का यूज करें, एन परसेंट V4 एंड C4 एंटर मारेंगे देखिए ज्वाइन हो। कुछ लोग कॉनकेटा नेट फॉर्मूला भी लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब आप किसी डेट को करेंगे या टाइम को करेंगे, जैसे इसको डेट लिया हमने और मान लीजिए कि मुझे इसको इन्वर्टर के मामले में डैश देना है एन परसेंट, तो क्या हो देखिए नंबर आया ना जी। तो नंबर आने के पीछे रीजन है कि डेट जो है इस तरह के नंबर में टाइम होता है, नंबर में टाइप होता है,
सही है सर ठीक है। जी तो इसको भी टेक फॉरवर्ड पे करने के लिए इसके लिए फिर आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस B84 टेक्स्ट में ना आप टेक्स्ट और डेट का जो फॉर्मेट है वो देना पड़ेगा, जो कि है कॉमा DD डैश NMM डैश YY ठीक है। सेम यहाँ पे देना आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट किया कॉमा DD डैश NMM डैश वाई वाई, एंटर मारिए देखिए आ गया। क्या करता है सही टेक्स्ट का फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला एक कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड दिखते हैं ना, इस कोड को जी आप बाहर ला सकते हो बिना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो जस्ट आपको विजुअलिटी देता है ना सर, बट जी मुझे जी विजुअल नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल में चाहिए, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करें ठीक है। जी जी सही अब कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, उसको एक बार देख लेते, क्योंकि मोस्टली आपको आता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, हो सकता है कुछ फॉर्मूले ना आता हो। सम जानते ही है, सम करके देता है, उसके बाद इस तरह से एवरेज, एवरेज देता है आपको, ध्यान रखिएगा एवरेज फॉर्मूला में ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। ओके उसके बाद इस तरह से मिनिमम फॉर्मूला है जो कि मिनिमम वैल्यू देती है, मैक्सिमम फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम वैल्यू देती है। उसके बाद यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला है जो कि काउंट, देखिए ध्यान रखिए काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर को, टेक्स्ट को नहीं, सर बट काउंट फॉर्मूला जो है ये सेल को काउंट करता जिस सेल में वैल्यू, जिस सेल में कुछ टाइप है ना उसको कंसीडर करता है, और काउंट सिर्फ नंबर, देखिए कॉलम ए दे दिया तो ये बताएगा कि कितने सेल में नंबर टाइप है, तो आपने काउंट ए लगाया तो ये बताएगा कितने सेल में कुछ भी का टाइप है, या सर समझ में आया। ठीक है सर काउंट ए लगता है, और काउंट इफ अलग है ओके क्योंकि काउंट इफ जो है पर्टिकुलर पर्टिकुलर इस पे काउंट करता है जी ठीक है। क्लियर है, जी सर काउंट ए लगता है सर सेल को काउंट ए, द काउंट ए या काउंट इफ, काउंट दोनों का काम एक ही है, कितने सेल में वैल्यू टाइप है उसको काउंट, काउंट जो जी क्या सर करता है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ये क्या करता है नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है, ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है, समझे, ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है ठीक है। सही राउंड सही मैंने आपको बताया ही, स्क्वायर टी क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है, क्या करता है स्क्वायर रूट निकालता है। ओके पावर फॉर्मूला स्क्वायर इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर पावर फॉर्मूले के साथ लगा सकते हैं। जी उसके बाद अगला आता है रैंड, रैंड क्या करता है, रैंड बिटवीन में, रैंड फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है जो कि 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, जैसे मान लीजिए रैंडम आपको परसेंटेज चाहिए या रैंडम टाइम चाहिए तो रैंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ठीक है। सही रैंड बिटवीन आपको रैंडम कोई भी नंबर चाहिए, इसका यूज मैं ज्यादा करता हूँ क्लासेज में, तो सैंपल डेटा वगैरह बनाने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं रैंड बिटवीन। टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया ही, अपर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट करता है, लोअर फॉर्मूला लोअर में करता है, टुडे नाउ डेज में बता दिया ठीक है।
और कुछ इस इन सब फॉर्मूले के डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिस्ट में डाल रखे हैं। देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, टोटल 20 फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसमें, तो मुझे लगता है आधा ज्यादा तो आपको आता ही हो, ठीक है। उसके बाद डू लिस्ट में तीन क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है।